वहीं अनूपपुर जिले के ग्राम सकरा में शनिवार दोपहर एक 17 वर्षीय किशोर की वाटर पार्क में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि मृतक का नाम शुभम प्रजापति बताया जा रहा है। घटना के बाद वाटर पार्क में मालिक सहित मृतक के दोस्तों द्वारा उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद TI अरविंद जैन ने कहा कि वाटर पार्क को सील कर दिया गया है। आज दोपहर में कुछ नवयुवक बिहार जिला शहडोल से अनूपपुर में सकरा में स्थित सर रिसोर्ट एवं वाटर पार्क में आए हुए थे और उनमें से एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष है वह वहां पर अचानक डूब गया। साथ के आए बच्चों ने तलाशा, जब नहीं मिला तो वहां पर प्रयास करने के बाद उसकी मिलने पर उसको PCR दे के लाए, परंतु अस्पताल लाते लाते उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है और उसका पोस्टमार्टम कराया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, रिसोर्ट के वैधता के बारे में कोई जानकारी? हाँ बिल्कुल, रिसोर्ट की वैधता के संबंध में भी सारे दस्तावेज एवं जानकारी एकत्र की जाएगी और यदि कहीं किसी प्रकार की कमी सुरक्षा के मानदंडों में पाई जाएगी तो तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल आपने देखा था? हाँ, घटना स्थल मौके पर पुलिस टीम के द्वारा जाकर सीलबंद कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया देख करके क्या लगता है किसकी लापरवाही हो सकती है, क्या जो बच्चा? अभी इस विषय पर और भी हमारे द्वारा अनुसंधान करना जारी है। अभी जस्ट चूंकि यहाँ पर आए हैं तो पहला कर्तव्य है कि उसका PM करा के अग्रिम जांच मांग रहे हैं।